मंकी जो मंकी जय माता जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। आज हम हैं गुजरात के पारनेरा, तो यहाँ पे है माता चामुंडा का मंदिर। तो आइए चलते हैं और देखते हैं और दर्शन करते हैं माँ चामुंडा के। पारनेरागढ़ में आपको माता के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। यहाँ पे करीबन 300-400 सीढ़ियाँ है, वो चढ़ के आपको माता के दर्शन के लिए जाना होगा। यहाँ पे माता तीन मुख के रूप में विराजमान हैं। इसके अलावा ये गढ़ की खासियत ये है कि यहाँ पे शिवाजी महाराज का किला भी है, जो आप देख सकते हैं। बहुत पुराना किला है, अभी चीज़ें यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन खंडर जैसा सब है। तो आपको वो पुराना ऐतिहासिक सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज दिवाली है, तो दिवाली के दिन हम माता के दर्शन के लिए आए हैं। हमारी जो कुलदेवी है वो माँ चामुंडा है, तो हमने सोचा कि दिवाली के दिन की शुरुआत हम माँ चामुंडा के दर्शन करके करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। पारनेरा हिल की ये खासियत है कि यहाँ का जो मंदिर है वो बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पे जो मूर्ति है वो तीन मुख वाली माता की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर है, तो आप ऐसे वाले पोज दे के फोटोज भी खिंचा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं ये वाले इमेजेस और फोटोज़। ये आप पीछे की साइड देख रहे हैं, वो माता का मंदिर है। तो अभी कुछ ही मतलब सीढ़ियाँ बाकी है, और ये जो पीछे का नज़ारा है वो वलसाड़ का नज़ारा है। दोपहर के 2 बजे हैं, तो काफ़ी कड़क धूप है अभी। यहाँ पे आप वन भोजन भी कर सकते हैं, यानी कि घर से खाना लेकर आइए और यहाँ पे बैठ के आप इसकी नेचर में बैठ के आप खाना खाइए। इसका जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने काचिंडा देखा, जो बहुत सारे रंग बदलता है, ये वही वाला है काचिंडा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोर और बहुत सारे और भी दूसरे पक्षी जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, माता का मढ़ है वो अभी हमें दिखने लगा था। तो अभी थोड़ी ही सीढ़ियाँ बाकी है और उसके बाद हम माता के दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे। पारनेरा हिल में आपको ऐसे वाले बड़े वाले पत्थर जो रहते हैं पुराने, वो देखने को मिल जाते हैं आपको। ये किले के पत्थर हैं जो पीछे की साइड आपको दिख रहे हैं अभी। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने अपना क्षेत्र कवर करने के लिए यहाँ पे ये किला बनाया था, और यहाँ पे वो माता चामुंडा की पूजा करते थे और माता को बुलाया कि आप यहाँ पे विराजमान होइए। फिर उसके बाद यहाँ पे माँ चामुंडा विराजमान हुई तीन मुख के रूप में। तो यही का पौराणिक इतिहास बताया है। इसके अलावा यहाँ पे शिव जी, हनुमान जी और माँ काली का भी मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। जितने भी गढ़ मंदिर किले होते हैं उनका एक पुराना इतिहास होता है। तो आप है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ वहाँ के लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे एक दादा थे, उसी से मैंने बातचीत करी, तो उसी से मुझे ये सब कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अभी। ये जो अभी आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये शिवाजी महाराज का किला है, और लेफ्ट साइड पे ये आप जो आप देख रहे हैं वहाँ पे तोप रखी जाती थी और दुश्मन को वहाँ से गोलीबार किया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा ब्रिज है, इसके नीचे पानी भरा है, तालाब है। बोला जाता है कि यहाँ के जो गाँव के लोग थे, यहाँ पे जो रहते थे किले पे, वो इसी से पानी भरकर पीते थे और अपनी रोजिंदा जिंदगी के लिए यूज़ करते थे ये पानी। सोचने वाली कमाल की बात ये है कि इतनी हाइट पे ये यहाँ पे पानी कैसे आया। और अभी जो आप राइट साइड पे देखेंगे वो बहुत ही मज़ेदार व्यू है। देखिए, पूरा मज़ेदार व्यू है, ये फोर्ट जैसा लग रहा है पूरा, लेकिन वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे। और नीचे की साइड पे अभी हम सीधा चलेंगे, तो वहाँ पे माँ चामुंडा का तीन मुख वाले माँ की मूर्ति का आप दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं।
वापी सूरत वलसाड से नज़दीक है काफ़ी ये पारनेरा हिल, लेकिन मुंबई से भी काफ़ी नज़दीक होने के कारण हम एक दो घंटे में पहुंच गए थे बाई कार से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आने के लिए आपको कार चाहिए, यहाँ पे कोई के लिए कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो आपके पास कार है या कुछ अवेलेबल है आपके पास तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये माता का मंदिर है, आपको माता के दर्शन करने हैं तो आपको खुद आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है। पारनेरागढ़ में जब आप माता के दर्शन करने जाते हो तो आपको एक सुकून भरा शांति भरा माहौल आपको मिलता है और बहुत ही शांति होती है यहाँ पे। और इसके अलावा आप बारिश के मौसम में यहाँ पे आओगे तो आपको प्रकृति के साथ नेचर के साथ रहने का आपको मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप घूमने चले व्लॉग 2M ये मेरा चैनल का नाम है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए।